ओके सो इन दिस वीडियो वील बी डिस्कसिंग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स. ठीक है, क्या होते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स? ये सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज्ड कैपेसिटर्स होते हैं. ठीक है, क्या करते हैं इसमें, एक प्लेट ए और एक प्लेट बी दोनों को पैरेलली एक दूसरे के आमने सामने रख देते हैं विद अ स्मॉल सेपरेशन डी. ठीक है, दोनों प्लेट्स का एरिया हमने माना है ए, कैपिटल ए से डिनोट किया है. ठीक है, और प्लेट ए पर पॉजिटिव क्यू चार्ज अक्यूमुलेटेड है और प्लेट बी पर नेगेटिव क्यू. ठीक है, जो प्लेट बी पर इस साइड पर पॉजिटिव चार्ज अक्यूमुलेट होता, ठीक है, वो सारा का सारा क्या हुआ, अर्थ में फ्लो हो गया और प्लेट बी के दूसरी साइड पर क्या रह गया, नेगेटिव क्यू चार्ज. अब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी बिटवीन द प्लेट्स. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ जाती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हुई और हमने ई से उसे डिनोट कर दिया. ठीक है, अब क्या करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपकी सेटअप होगी वो इक्वल होती है पोटेंशियल ग्रेडियंट की. ठीक है, ये क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट E इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी आर, वेयर V इज द वोल्टेज सेटअप बिटवीन द टू प्लेट्स. ठीक है, अब क्या होता है कि बिटवीन द प्लेट्स आपकी वोल्टेज जो है ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट रहती है विद द डिस्टेंस. ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कॉन्स्टेंट है थ्रू आउट द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स. ठीक है, इस वजह से हम क्या करते हैं, ये चेंज जो लिखा है ना, डी वी क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल, वो चेंज नहीं आएगा कुछ भी. ठीक है, वो एक कॉन्स्टेंट वैल्यू होगी V. ठीक है, सिमिलरली डी आर चेंज इन डिस्टेंस भी नहीं मानेंगे हम, क्या लिखेंगे उसे, जो भी हमारी प्लेट्स के बीच में सेपरेशन थी D. इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर बिटवीन द प्लेट्स आप देखोगे तो वो एग्जैक्टली सेम मिलेगा, इस वजह से हमने V अपॉन D लिख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड को. ठीक है, तो यहाँ से अगर आप V यानी पोटेंशियल या वोल्टेज आप निकालते हो तो वो इक्वल टू आती है E इंटू D. ठीक है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन. उसके बाद अगर आप अज्यूम करो कि सिग्मा जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी है. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो गिवन बाय दिस फॉर्मूला. क्या होता है ये, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्साइलन नॉट. ठीक है, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको इक्वेशन टू मान लेते हैं, हमारा इक्वेशन वन क्या बन जाएगा, V इज इक्वल टू E की जगह पर क्या डाल दें, सिग्मा अपॉन एप्साइलन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्साइलन नॉट इंटू डी. ठीक है, ऑल्सो सिग्मा जो है आपका वो क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी कि चार्ज पर यूनिट एरिया, ये होता है ना आपका सिग्मा. ठीक है, इसको इक्वेशन थ्री मानकर आप इसको इक्वेशन फोर मान लेते हैं और इक्वेशन थ्री में पुट कर देते हैं. ठीक है, तो फाइनली आपका वी पोटेंशियल जो है वो बन जाएगा क्या, क्यू अपॉन एप्साइलन नॉट इंटू ए इंटू डी. ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फाइव. अब क्या होता है, आपका जो कैपेसिटेंस है वो किसके इक्वल होता है, चार्ज अपॉन पोटेंशियल वी. ठीक है ना, तो कैपेसिटेंस जो निकलेगा आपका वो होगा क्यू अपॉन वी, जो हमने अभी निकाला वो क्या था, लास्ट इक्वेशन इक्वेशन फाइव, क्यू अपॉन एप्साइलन नॉट ए इंटू डी. ठीक है, ये पुट कर देंगे हम यहाँ पर, क्यू अपॉन एप्साइलन नॉट ए इंटू डी. ठीक है, तो क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा वन. ठीक है, ये सारी डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा तो आपके पास क्या आएगा, एप्साइलन नॉट ए अपॉन डी. ठीक है, तो फाइनली आपका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या बना, एप्साइलन नॉट ए अपॉन डी. ये हो गया आपका थ्योरम डिराइव्ड. ठीक है, इसके अलावा अगर आपकी, ये कब होता है, जब आप अज्यूम करो कि पैरेलल प्लेट्स के बिटवीन जो है या तो वैक्यूम है या फिर एयर है, बिटवीन पैरेलल
प्लेट्स। बट सपोज करते हैं कि हमारे पैरेलल प्लेट्स के बिटवीन अब क्या है, पैरेलल प्लेट्स हैव डायलेक्ट्रिक बिटवीन देम। इस केस में क्या होता है, अगर पैरेलल प्लेट्स के बिटवीन डायलेक्ट्रिक है तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ई विल बी गिवन बाय सिग्मा अपॉन एप्साइलन आर, रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, और रिलेटिव परमिटिविटी आपकी होती है इक्वल टू सिग्मा अपॉन, रिलेटिव परमिटिविटी को आप इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी यानी परमिटिविटी ऑफ एयर या फ्री स्पेस के, सॉरी यहाँ पे रिलेटिव नहीं, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है ना, ये लिख सकते हो। तो एप्साइलन नॉट एप्साइलन आर अगर आप यहाँ पर लिखोगे तो आप मीडियम की परमिटिविटी को रिप्लेस कर सकते हो विद दिस, बिकॉज एप्साइलन आर यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी जो होता है वो आपका इक्वल टू होता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी, सॉरी मीडियम की परमिटिविटी डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ मीडियम यानी कि मीडियम कितना अलाउ करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को पास करने के लिए, डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस यानी कि एयर या वैक्यूम कितना अलाउ कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड को पास करने के लिए, उनका जो रेशियो होता है वो होती है रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, तो अगर मैं एप्साइलन एम चाहती हूँ यहाँ से तो इसको मल्टीप्लाई करके निकाल सकती हूँ, एप्साइलन एम निकलेगा एप्साइलन आर इंटू एप्साइलन नॉट, ठीक है, जो कि यहाँ पे आया। ठीक है, फिर वही सेम चीज़ करेंगे तो आपके पास जो फाइनल आंसर आता है कैपेसिटेंस का वो आता है एप्साइलन नॉट इंटू एप्साइलन आर ए अपॉन डी। ठीक है, और ये एप्साइलन आर हमने पढ़ा था क्या होता है, डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, इसको कई बार के से भी डिनोट कर देते हैं, कुछ बुक्स में के से डिनोट किया होगा तो आप कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, तो एप्साइलन आर क्या हो गया, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और ये क्या हो गई आपकी कैपेसिटेंस इन डायलेक्ट्रिक, जब आपकी दो प्लेट्स के बीच में आपने डायलेक्ट्रिक फिल कर दिया है कम्प्लीटली। ठीक है, दोनों प्लेट्स के बीच में कम्प्लीटली डायलेक्ट्रिक फिल हो रखा है, तब आपकी कैपेसिटेंस ये आएगी।